जल्दी स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत कर। भाई ऐसा है कि हम यहाँ जैसे जैसे चल रहे हैं हमारे शरीर का एनर्जी डाउन होते जा रहा है, सही है। क्या खाते हो कि आपका शरीर के जम रहे हैं? वो लोगों को खास तौर पर दिखाना चाहूँगा, ये दोनों लोग देखिए, इनकी एज देखिए और यहाँ तक हमारा हालत खराब। नाटक मत करो, मजाक वाला काम मत करो, ठीक है? यहाँ मजाक नहीं, सही दिल से तभी जाएगा। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, और आज हम लोग जा रहे हैं सकल नारायण। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग खड़े हैं नए बस स्टैंड के अंदर बीजापुर का, और आप पीछे हमारे देखिए बहुत सारी बस लगी हुई है। आज शनिवार और ये सारी बसें शाम को निकलेंगी रायपुर के लिए, और ये बस स्टैंड से अभी निकल रहे हैं। अभी सीधा मदेड़ पहुँचेंगे, मदेड़ से हमारा जो ट्रैक होगा वो सीधा सकल नारायण की पहाड़ के ऊपर होगा। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बीजापुर से निकलकर सकल नारायण जाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और आपको दिखाते हैं रास्ते में मज़ेदार कॉमेडी करते हुए जाएंगे। अरे चिंटू राम, आपको चिंटू पांडे दिखाई दे रहे हैं, बहुत होशियार है हमारे ग्रुप के। चलते हुए हमको एक जगह मिला और वहाँ पे एक पेड़ दिखाई दिया है। पेड़ के ऊपर आप देखेंगे तो शायद आपको दिख रहा होगा, वनों की अवैध कटाई न करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनों की अवैध कटाई न करें। अवैध कटाई सोचिए, पूरा जंगल एरिया आप देखिए, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और फिर भी यहाँ पे लिखा है कि वनों की कटाई नहीं करना है। तो सोचिए जिस जगह पे पेड़ नहीं है वहाँ पे लोग किस तरह की हरकतें करते हैं, और वनों को काटने में बस एक घर में या फिर खेत के किनारे कोई भी पेड़ है, थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है उस पेड़ से तो बस पेड़ काट दो। जबकि पूरे जंगल में भी पेड़ को रक्षा के लिए यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन लोग थोड़ा सा भी दिक्कत के लिए, मतलब घर थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए भले पेड़ कट जाए। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि पेड़ की कटाई नहीं करना है, हमें पेड़ को बचाना है। और एक चीज और आपको दिखाऊंगा, आप अगर ध्यान देंगे तो इधर देखिए, सामने कैमरामैन आ जाइए आप, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर, ये इंद्रावती, ये पूरा जो जंगल है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, और इसके अंदर यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। देखिए गाय माता जो है पॉलीथीन को खा रही है उनके पेट में जाके, उसके बाद से पूरी तरह से कितना डैमेजिंग फैलाता है। तो यहाँ पे भी ये बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि लोग पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इस ब्लॉग में आपके लिए एक छोटा सा लेसन है कि आप लोग छोटी सी कोशिश करिए कम से कम उपयोग करने का प्लास्टिक का, या फिर पेड़ों को बचाने का, पेड़ लगाने का। तो चलिए अब हम अपने आगे सफर में आपको लेके चलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं ये है चेरापल्ली गांव, और लगभग मदेड़ से आपको 10 किलोमीटर पार करेंगे, 10 या 12 किलोमीटर तो आपको पड़ेगा ये चेरापल्ली गाँव। और चेरापल्ली गाँव से जब आप आगे आओगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सीन देखने को मिलेगा। और आपका जो रोड है वहाँ से एक ब्लैक कलर का पट्टी है, आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, वहीं से रोड अंदर की तरफ गया हुआ है, वो देखिए गाड़ी खड़ी हुई आपको दिख रही है। और ये है सकल नारायण का रोड जहाँ से हमको अंदर जाना है। पिछले बार भी हम यहीं से आए थे, और यहाँ से फाइनली हम लोग मुड़ के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो आपको पुराना सा खंबा दिख रहा है, ये गेट का वेट करते हैं, ये गेट है हमारा। और यहाँ से सीधा ये रोड जाएगा सकल नारायण की तरफ। और हमारे कुछ मित्र अभी पीछे फंसे हुए हैं, मतलब कुछ खरीद रहे हैं, सॉरी। तो अभी उनके आने का हम लोग यहाँ साइड में वेट कर लेते हैं, उनके आने के बाद आगे हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट छोर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ सामने पीछे हमारा वो पहाड़ दिखाई दे रहा है एकदम। ये लास्ट गांव है, इसके बाद आपको गांव नहीं सीधा पहाड़ पड़ेगा। यहाँ गांव में आपको पहले पूछ लेना है कि सकल नारायण का गुफा कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं पूछोगे तो फिर आप वहाँ कुछ मंदिर का कुछ है क्या, गुफा है किधर, गुफा किधर है, रास्ता किधर से, चलो अच्छा ऐसे घूमते घूमते जाना है। चलो दादाजी हमें रास्ता बताए हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे घर वगैरह मिल जाएगा, किसी से भी पूछ के ही जाइए, क्योंकि बिना पूछे जाएंगे तो पिछले बार हम लोग चले गए थे उस पहाड़ पे बिना पूछे और घूमते रह गए, गुफा मिला नहीं था। पिछले बार एक बार हम लोग यहाँ पानी पिए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पानी पी के गए थे हम लोग, दूसरे जगह पहुँच गए थे, मिला नहीं था गुफा। तो दादाजी बताएं, अभी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कैसा रहता है अभी इस बार का एक्सपीरियंस हमारा। तो फाइनली यहाँ पे काफी लोग हमारे सामने मिल चुके हैं, जो कि सब लोग यहाँ से सकल नारायण जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा सफर कैसा रहता है। और हमारे साथ ये दादाजी हमको मिले हैं, ये देखिए, ये हमको लेके जा रहे हैं, इधर देखिए दादा। अभी हम लोग को सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आइए तो पहले रास्ता पूछ के जाइए। ये सभी लोग वापस लौट के जा रहे थे, लेकिन अभी रास्ता ही कितना कंफ्यूजन वाला है। पिछले बार हम लोग आए थे तो गलत जगह चले गए थे। चलो चलो दादाजी, आपको पैसा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। हमारा बाइक आ सकता है। यहाँ पे महादेव जी का एक छोटा सा शिवलिंग है, यहाँ पे हमने भगवान जी से प्रार्थना किया और थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा आगे में जैसे गांव वाले बता रहे हैं यहाँ शेर वगैरह पहाड़ में रहते हैं, शेर सांप मतलब हर तरह के जानवर यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए थोड़ा डर भी है। तो इसलिए हम डरते डरते यहाँ पे आए हैं और दर्शन करके भगवान का, और यहाँ से अब निकलेंगे और किस्मत सही रहा तो हम बिल्कुल सफलता से उनके पास जाएंगे। यहाँ आना है तो श्रद्धावन से आना है। और यहाँ पे देखिए पूरी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है। ये भाई मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले सबको यहाँ नहाना होता है। नहीं, हम लोग नहावा के आए हैं, हम लोग भी दादाजी नहा रहे हैं यहाँ पे। और मंदिर में एक देखिए आस्था, देखिए बिना नहाए ये नहीं जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोई तोड़ो यार, बोल सकती काजू का पेड़ हमें देखने को मिला यहाँ पे। तोड़ो तोड़ो एक था यार, दिखने के लिए तो तोड़ना। तोड़ो भाई, इसका वीडियो नहीं बनाया भाई, बनाए थे ना वहाँ गाइस में सबसे काजू मालबा है, काजू का पेड़। ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। लेट हो रहा है भैया, चलो जाएंगे, चलने तो दो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप कभी भी सकल नारायण आइए तो ये इतना घुमावदार रास्ता है कि आपको एक जन को साथ में लेके ही आना है, क्योंकि अभी यहाँ अंदर आने के बाद एक मूर्ति पड़ रही है, मूर्ति के बाद किधर किधर जाना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जो आदमी है वो बता रहे हैं इधर से जाना है, इधर से जाना है, हालांकि गुफा इधर की तरफ है और हमारा रास्ता इधर से है, मतलब एकदम सोच ही नहीं सकता कि इधर से जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी पूछ के आना है। और एक चीज, यहाँ पे काजू के पेड़ बहुत भरे पड़े हैं। अभी मैंने वहाँ आपको काजू का पेड़ दिखाया और एक देखिए यहाँ पे काजू का पेड़, ये पूरा एरिया काजू के पेड़ से भरा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग सब लोग यहाँ चल रहे हैं और चप्पल उम्र 60 साल हो गया। हमारा हालत यहाँ तक कभी थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है, दादू एकदम हमसे आगे निकल रहे हैं। देखिए ये होता है, और ये हमको लाने के लिए तैयार हो गए। अरे भाई साहब तेल निकलना शुरू है, ये गेट तो सामने दिख रहा है। यहाँ से अभी चढ़ाव जहाँ से शुरू है वहाँ से 1 घंटे का सफर, जैसा कि दादू बता रहे हैं। बाकी अब हम आपको देख के चल के बताएंगे कितने देर का सफर है, कितने दूर तक जाना है। आप देख सकते हैं हमारी टीम को। हाय, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। घंटी बजाओ सब लोग। ये मेन गेट पहुँच गए, यहाँ से घंटी बजा के भगवान के दर्शन आगे करेंगे। पहाड़ में मंदिर सुनना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये देख सकते हैं रास्ते किस प्रकार के हैं, पथरीला रास्ता। ये भाई खाने वाला है क्या? ये जहर है। थक गए गाइस, थक गए। उधर से बनाओ, उधर से। ये बाबू रुकना, कहाँ जा रहा है? पिता जाएगा चलो रंजन भैया रेडी करो जल्दी जा, आ रहे हो। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत करो भाई। हाय गर्मी फर्स्ट में ही आगे चल रहे हैं। कितना सही है कि मौसम सही है। आ गए थे फर्स्ट में है कि हम यहाँ जैसे जैसे चल रहे हैं हमारे शरीर का एनर्जी डाउन होते जा रहा है। सही है कि नहीं? आप क्या खाते हो कि आपका शरीर डाउन है? बताओ, कुछ बताओ। दादू यहाँ पे आप इसके पीछे कब आए थे? कितने दिन बाद यहाँ चढ़ रहे हैं? चढ़ रहा है। नहीं, आप कब चढ़े थे? मेला का टाइम चढ़े थे। मेला टाइम आए थे आप? तो ये बताओ, आप अपने जिंदगी में, दादू आप अपने जिंदगी में कितना बार शेर और देखे हो? ये बताओ। शेर दो तीन साल तक लगातार देखे हो? जैसा कि यहाँ पे शेर हमेशा देखने को मिलता है और भालू का भी देखने को मिलता है। दादू भालू भी है? अरे बाप रे भाई साहब, नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक के बात तस्वीर जान लीजिए, इतने खतरनाक होते हैं। यहाँ पे किसी किसी ग्रामीणों को जब मारते हैं तो उनका पंजा इतना खतरनाक होता है, बस सीधा मांस बाहर। दादू इसके बारे में बात नहीं करेंगे। डायनासोर पूछ रहा आदमी, डायनासोर कब देखे थे? डायनासोर तो प्रजाति लुप्त हो गई, लेकिन दादू को ये लोग पागल बनाने का सोच रहे हैं। दादू बताएंगे, बताओ दादू, सच सच साबित कर दो इस आदमी को, झूठ और सच। आए और हिरन और बनसुअर देखे, सुअर वाला भी ना, सुअरा भी है, बनसुअरा। ताज अपना पहनती है ना, उसमें जो हीरा लगा यही से गोलकुंडा, गोलकुंडा किला हैदराबाद, ठीक है। गोलकुंडा किला हैदराबाद का वो है जिसको हम कोइनूर हीरा बोलते हैं, जहाँ अभी पिछला ब्लॉग में हम डाले थे गोलकुंडा किला गए थे तो। हाँ, विक्टोरिया जो हीरा पहनते भारत से बिल्कुल। एक पहाड़ के ऊपर हमारे दो दोस्त चढ़ते हुए आप देख सकते हैं। ब्रो आराम से उतरो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बहुत देर से खड़े हैं, अभी तक नहीं आ रहे। आप लोग कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ये लोग हालत पहले खराब है। ये दो जन सबसे आगे चल रहे, बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं। आप लोग ढोलकल जा सकते हो, इसके अलावा पर वहाँ पे हमदावाड़ा। अब उन लोग दिख भी नहीं रहे। नहीं, ये दो जगह पे आप किसी भी मौसम में जा सकते हो। चलो रनिंग, अब रास्ता है तो जाएंगे भाई। चलो, अब बराबर भी हो गया, उन लोग आ जाएंगे। किस लोग आए थे क्या? मतलब यहाँ कृष्ण भगवान कभी आए थे? मूर्ति है अंदर, मूर्ति है। हाँ। कौन बनाया होगा ये? वो भगवान ही, भगवान बनाया। हाँ, भगवान। अच्छा, ये बीच दो पहाड़ के नीचे से बीच से रास्ता निकला हुआ है। और पता नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि नहीं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, पूरा बहुत दूर एरिया, बहुत हाइट पे हैं हम लोग। अभी लगभग मेरे हिसाब से 1000 फीट हाइट होगा। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से, पूरा एरिया। हालांकि ये पेड़ पौधों के पास आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, बट हम आगे कहीं भी साफ एरिया दिखेगा तो वहाँ से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और पसीना और थकान से हालत ख़राब हो चुकी है। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सामने में आपको एक दिख रहा होगा, वो देखिए, वो है गेट गुफा का। और ये देखिए पहाड़ कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये पूरा पहाड़ों की एक श्रृंखला है और ये कई किलोमीटर में फैली हुई है। अगर मैं बात करूँ तो इधर पूरा टिकी हुई है, कहाँ तक गई है नहीं पता, आगे कहाँ तक गई है नहीं पता। पूरी लंबी चौड़ी पहाड़ की श्रृंखला है और इसके अंदर ये गुफा है। अब नीरज गुफा हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट वो मेन गुफा है। वो जो झंडा आपको दिख रहा होगा वही मेन गुफा है। अभी अंदर जाएंगे और आपको अंदर का भी सीन दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हमारे सारे जेंट्स दोस्त ऊपर जा चुके हैं और कुछ लोग हैं जो कि अभी पीछे हैं क्योंकि लेडीज़ हैं, चल नहीं पा रहे, थके हुए हैं। पीछे धीरे धीरे वो लोग आ रहे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं कैसा है हमारा ये अनुभव। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग सकल नारायण की गुफा पे पहुंच चुके हैं और सभी लोग थक चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दो लोगों को खास तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा। ये दोनों लोग को देखिए, इनकी एज देखिए। और यहाँ तक हमारा हालत खराब हो चुका है पहुँचते पहुँचते। लेकिन ऐसा है की गठिया की बीमारी इनका खत्म हो जाए। अभी सारा बीमारी यहाँ से हम दूर करके जाएंगे। जितने भी लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम है, दिल से मांगेंगे और हमारे जो कृष्ण भगवान जी है, सबका जो भी मनोकामना है पूरा करेंगे। बोलेगा कुछ जोर से, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और फिलहाल आप पीछे का अगर सीन दिखाने की कोशिश करती है, देखिए हेलो, ये है गेट जहाँ से हमें गुफा के अंदर जाना। काफी कीचड़ वगैरह है, पानी क्योंकि अंदर हमेशा नमी बनी रहती है। और यहाँ एक अलग ही सुगंध आ रही है नारियल वगैरह की। और ये पहाड़ अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करती है, देखिए पहाड़ का नजारा कैसा है। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं गुफा के और आपको दिखाते हैं कैसा है हमारे श्री कृष्ण जी का मंदिर। और यहाँ से अगर आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए पीछे का नजारा देखिए, पूरा एरिया दिख रहा है। हल्का धुंध है बट हम अगर आंखों से देखें तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बस अंदर से निकले बाहर। श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ नेटवर्क गोल हो चुका है, कोई बात नहीं। छोड़ो मोबाइल, दिखाओ लाइट चल रहा है, चलता रहा। क्यों चा कर रहे हैं इधर अंदर में? दादा अरे अपने हाथ से लगा लो ना, अपने हाथ से लगा लो। ऐसा लग रहा है दादाजी यहाँ के पुजारी हैं। अरे वो है ना एकदम वही वही। आपको एक ही का मोबाइल कहीं भी रख दीजिए, नीचे हो जाएगा। इस पर रख दीजिए पत्थर पे। आप बिना पकड़े नहीं चलेगा। हाँ ये लाइट सब इकट्ठा करो, मेरे कैमरे में आए। अरे इधर नहीं जाना, इधर इधर आ, इधर आ, उधर मत जाओ। ओहो मेरा पैर, इधर आ, इधर। लाइट सबको देना। अच्छा ये सीढ़ी है क्या? वो भाई साहब सीढ़ी है। हाँ इस पर चढ़ना है। ए यार बदली भी है। कहाँ जाना है? ये भाई बदली मन है। बदली तो ठीक है लेकिन क्या है यार, तो कुछ दिख ही नहीं रहा एकदम। अच्छा टाइम में कैसे बता देता? एक साथ वो भाई साहब पूरा सीढ़ी बनाए। वाह दादू ये सीढ़ी बनाया कौन होगा? अब किधर जाना है दादू? इधर ही है, ये है इधर मुंडी में। मुंडी में किधर जाना है? और किधर ही प्रभु क्या पत्थर है? अरे बाप रे यार, ऐसा लग रहा है कि सब चारों तरफ रास्ता बटा हुआ है अंदर में। ये रास्ता कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है। यही आसपास में ज्यादा अंदर है। ये देखो आप वैसे दिखाते रहो, दिख रहे हो अंदर में। इधर भी दिखाना भी मेरा लाइक दिखा। बस यहीं तक है गुफा, अभी और है उधर उधर। बस इनका है यही मेन जगह है। बाकी अंदर आप लोग देखिए पूरा अंदर ऐसा लग रहा है गुफा गुफा जैसा बना है। पतला 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 देखिए पूरा खाजा खाजा बना है। देखिए अंदर अंदर गया ऐसा लग रहा है। अब उतर सकते बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीढ़ी कैसे अंदर बनाएगी ये तो देखिए, कौन बनाया होगा? अरे यहाँ क्या करता बनाया है। चलो चले चलो ये चलो। अरे हाँ इधर भी मैं को सामने देख रहे हैं। ओ गॉड वाह, हे प्रभु मैं आपको नहीं देखा। मैं इनको देखा ही नहीं। अंदर देखिए ना कितना अंदर तक बाप रे गया है, पूरा अंदर अंदर बना है, अंदर पता नहीं क्या है, कुछ दिख भी नहीं रहा। उधर देखिए पूरा अंदर अंदर बना है गुफा जैसा, छोटा छोटा सभी में शाखाएं बनी हुई है। आपका चश्मा उस दिन वाला। चलो चलो चलो, इतना चौड़ा सीढ़ी, उतरो ना उधर खुना से क्या। हाँ पकड़ी हूँ मैं, चमक रहा है पत्थर में किरकिरी जैसा, मेरा पैर उससे ज्यादा चमक रहा है। एक ही बार में सीधा घुस गया कचरे में। किधर खाइए वो जो सामने दे उतरी, हम लोग को जाना भी है इधर से। रास्ता है क्या इधर? रास्ता इधर से निकल रहा है। अरे आगे बढ़ जाएंगे। हटो हटो, पहले हमको जाने दीजिए। हटो हटो, हम पापी लोग नहीं। लाइट चलाओ भाई, पीछे कैमरा। अभी आना आ रहा है हमको। नहीं नहीं, कोई नहीं फंसेगा, आराम से आ जाओ। कोई नहीं फंसेगा, आ जाओ। कोई नहीं फंसेगा, कोई नहीं फंसेगा, आ जाओ। फिर वापस सीधे से जाना है। ये आधा लोग कमाना करो। अब इस जगहों पे एक्सप्लोर करने का मजा ही अलग है। लकड़ी है ना यहाँ पे, पानी पूरा अंदर, नमी है और इतना ज्यादा मतलब अंदर गर्मी तो है लेकिन उतना भी नहीं है, बट चलने फिरने से ज्यादा पसीना हो रहा है। और यहाँ का पत्थर देखिए कैसा है, मतलब ऐसे जगहों पे आके लगता है कि हाँ प्रकृति क्या चीज है, एकदम प्रकृति पे। देखिए पसीना, देखिए हमारा हालत कैसा है अभी, लेकिन फिर भी अलग ही सुकून है आने का। क्यों करें, और लोग भी आएंगे। चलिए ये भाई साहब, चलो चलो चलो, आपको मजा कर रहा। आओ आप लोग आ जाओ। व्हाइट शॉर्ट का लगोगे आप ऊपर। देखो कैसा दिख रहा है ऊपर एक बार। ओ भाई, हेलो खींच दे रहा हूँ खुश। So guys, यहाँ पे ये हमारा पहला तीसरा क्या बोलते हैं खंड है इस गुफे का। और तीसरे खंड में एक और हमारे प्रभु जी हैं जो कि यहाँ पे विराजमान है। और देखिए कितने लाइट दिखा रहा है, मुँह पर लाइट दिखा कृष्ण भगवान है, उनका देख के समझ में नहीं आ रहा, बस भगवान है इतना समझ में आ रहा है। क्या है, कौन सा है भगवान नहीं समझ में आ रहा। पहचानो बिहार दिल से पहचाना जाता है, समझे आप। हाँ ठीक है, समझ गए। तो हमारे प्रभु पानी है, थोड़ा सा देख के आना है, साइड से इधर से मैं आ रहा हूँ, इधर से आओ। चलो ना बिहार, आगवा बढ़ोगे रवि। दलदल है पूरा, ज्यादा घटा है। इधर से दलदल है यहाँ पर, इधर साइड से आओ, साइड से, बीच में नहीं। अबे उसमें तैर भी नहीं पाएगा, ऐसा दलदल होगा। इधर बीच से नहीं निकली है। आओ, दलक रहा है, ताकत मत दिखाओ, कूद रहे हमारे। देखो पानी कितना तेज बह रहा है, ज्यादा पानी बढ़ने जा रहे हैं। डब्बा उबा ला लो, पानी भरेंगे। के लोग कुछ ज्यादा ही होंगे। उधर से आप बीच से यहाँ से पानी निकल रहा है भाई, यहाँ से पानी निकल रहा है। दादा यहाँ पानी भर रहे हैं, कुंड जैसा है छोटा सा, यहाँ कुआं बोल रहा था, कौन बोल रहा था कुआं है भैया? तुम लोग यार कहीं भी चिपका दे रहे हो मेरे को यार, तुम लोग मान इंसाफी मत करो यार। वापस मैं जा रहा हूँ, जाओ चल भाई। यहाँ 50 का नोट है, जल गए, दे दो डब्बा, दे दो दादा को जो जिसको छुपाना है। रवि डब्बा, लोटा भी है, पैसा भी है, पैसा ले लो, भगवान जी को जरूरत नहीं है अपन को। नीचे चलो, यहाँ 50 का नोट है लेकिन वो भी जल गया है, और लोटा भी है और कपड़ा भी है। अरे डब्बा नहीं है, इधर से लिख लेंगे, इधर से। अरे भगवान हटो के भाई, थोड़ा तली दादा इधर से निकल सकते हैं क्या बाहर? हाँ निकलना है, हटो हटो। उधर से नहीं निकलना है, उधर से नहीं। अरे वो दीदी लोग नहीं आ पाएंगे, पक्का बता रहा हूँ, लोग नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाओगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। रंजन भैया भी नहीं जा पा रहे हैं, लिख के दे रहा हूँ, लोग नहीं आ पाएंगे। जय प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। हाँ ब्रो, ठीक तो रहा है, आओ ना। आओ जल्दी जल्दी निकलो यार, नाटक मत करो, मजाक वाला काम मत करो, ठीक है? यहाँ मजाक से नहीं, सही दिल से निकलोगे तभी निकल पाओगे, मजाक करके मत निकलो, ठीक है? मजाक करके मत निकलो, आराम से निकलो, चैन से। पत्थर है ना, हो गया। जय हो प्रभु, बस हो गया। तो फाइनली गाइस अभी अपने इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सभी लोग हर जगह से घूम चुके हैं, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था वहाँ से निकलना, जो लास्ट में हम लोग एंडिंग पॉइंट से निकले थे। वो मतलब रास्ता बहुत ज्यादा पतला था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग अब अपना चप्पल जूता जो भी पहन के निकल रहे हैं। और अब